दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस ने गोला बारूद की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2000 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। 15 अगस्त से पहले 6 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2000 कारतूस और गोला बारूद बरामद। आतंकी एंगल तलाशने में जुटी है दिल्ली पुलिस। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक 3 दिन पहले 2000 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में कारतूस की सप्लाई करने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2 बैग के साथ एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। तो देखिए, 15 अगस्त में आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो जाती है और यहाँ दिल्ली पुलिस में एक बार फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। 2000 से ज्यादा की संख्या में जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ। सर, क्या मामला है? देखिए, हमें 6 तारीख को सुबह ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लड़के देखे गए हैं आनंद विहार बस अड्डे के पास, जिनके पास 2 बैग्स हैं और काफ़ी हेवी बैग्स लग रहे हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए हमारा बीट स्टाफ, जिनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया और उसमें चेकिंग के पे पता चला कि लाइव एमिनेशन है और काफ़ी सारे हाई कैलिबर राउंड्स हैं उसके अंदर। उनसे फर्दर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो देहरादून से ये सारा एमिनेशन सोर्स करके लेके आ रहे हैं और आगे उनका जो डेस्टिनेशन है वो लखनऊ है, लखनऊ और जौनपुर। तो उन साइमल्टेनियसली हमने दोनों जगह पर टीम्स भेजी और जो हमारा देहरादून वाला गन हाउस है उसके ओनर को भी अरेस्ट किया है हमने। जौनपुर में जिसके पास ये जाना था उसका भी आगे एक हैंडलर है जिसने रिसीव करके आगे फर्दर सप्लाई करना था, उस हैंडलर को हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो मेन टारगेट है वो अभी भागा हुआ है, उसको जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पूरी दिल्ली समेत लाल किले पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच पूर्वी दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि आनंद विहार इलाके में 2 संदिग्ध हैं, जिनके पास हथियार हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध की तलाशी ली तो उसके पास से 2 बैग बरामद हुए जिसमें 2000 जिंदा कारतूस थे।15 अगस्त को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले दिल्ली को दहलाने की कोशिश में ये बड़ी कार्रवाई एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।